साइबर सिटी गुरुग्राम में वीरवार देर रात करीब 11:30 बजे राजीव चौक पर एक सरकारी गाड़ी द्वारा कैब को टक्कर मारने का मामला सामने आया है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कैब चालक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कैब चालक का शव कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना देर रात की बताई जा रही है, जब कैब चालक 2 सवारी को लेकर हीरो होंडा चौक की ओर से दिल्ली की ओर जा रहा था। कैब के टायर में पंचर के बाद ड्राइवर स्टेफनी चेंज करने के लिए नीचे उतरा था। हादसे में जब कैब राजीव चौक पर पहुंची तो कैब का टायर पंचर हो गया। इस पर कैब में सवार दोनों सवारियों को भी चोटें आई हैं। ये 1920 की अक्टूबर की इंटरवेनिंग नाइट के दौरान का घटनाक्रम है, जो लगभग 11:30 बजे रात के टाइम एक उबर कैब ड्राइवर थे आर्टिगा के अंदर, उनकी एक व्हीकल जो था जिससे वो पंचर हो गई थी राजीव चौक के फ्लाईओवर के पास। उस दौरान जब वो अपने व्हीकल से उतरे और पंचर लगाने की उसमें कोशिश कर रहे थे, तो उसी दौरान एक पीछे से आते हुए व्हीकल ने, जो कि एक बोलेरो गाड़ी बताई गई है, उसने उनको टक्कर मार दिया, जिस दौरान वो इंजर्ड हुए और उसकी घटनाक्रम के दौरान उसमें उनकी मृत्यु हो गई है। सर, बोलेरो गाड़ी ये सरकारी गाड़ी बताई जा रही है विजिलेंस की, कौन सी भाग के विजिलेंस की थी गाड़ी? ये बताया जा रहा है कि एक हरियाणा गवर्नमेंट का व्हीकल है, ये एनफोर्समेंट में टेस्ट है और एक जो इनके ड्राइवर थे वो रोजगार कौशल रोजगार के तहत उस पर ड्राइवर के तौर पर नियुक्ति थी उनकी, और उनको भी हमने राउंड अप करा है और जो जायज कानूनी कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है। सर, प्रमुख इसमें क्या कुछ सामने आया, नशे में था ये, क्या कुछ मेडिकल कराया जाएगा? देखिए, मेडिकल होगा बिल्कुल सर्टेनली, जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करी जाएंगी और उसके माध्यम से जो घटनाक्रम रहा है उसके साथ जो लीगल हमारी कार्रवाई रहेगी वो करी जाएगी। सर, मृतक की पहचान क्या है? मृतक की पहचान जो है ये हरि सिंह है, 41 वर्ष की इनकी आयु थी और ये झुंझुनू राजस्थान के रहने वाले। पुलिस के मुताबिक बोलेरो गाड़ी बिजली निगम के विजिलेंस विभाग की थी। इस पर ड्राइवर 40 वर्षीय हरि सिंह कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के तहत ड्राइवर था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हादसे के बाद आरोपी शराब के नशे में तो नहीं था। गुरुग्राम से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।